gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull. Motorola Reserve 50 जो हाल ही में लॉन्च हुआ कॉम्पैक्ट वर्टिकल फोल्डिंग फोन है। फास्ट रिफ्रेश रेट, एमोलेड डिस्प्ले, लार्ज एक्सटर्नल स्क्रीन, सुपर बेंड डिजाइन, IPX8 वाटर रेजिस्टेंस एंड मेनी मोर। दोस्तों, आज मैं Motorola Reserve 50 का फर्स्ट इंप्रेशन बताने वाला हूं जो हाल ही में लॉन्च हुआ है। मेरा नाम मिलन है और आप देख रहे टेक स्ट्रीट। और जैसे कि आपको पता है, लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले हमारे ही चैनल में देखने मिलते हैं, तो इसे लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए और अगला क्यू देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के हमारी टेक टीम को ज्वाइन कर लीजिए। तो सबसे पहले Motorola Reserve 50 की डिजाइन देखते हैं। तो ये है स्मॉल वर्टिकल फोल्डिंग फोन जो रिलेटिवली पोर्टेबल एंड कॉम्पैक्ट है। इस बार फोन को ज्यादा अनफोल्ड ना करना पड़े, इसीलिए फोन में लार्ज एक्सटर्नल स्क्रीन दी गई है जो फोन के ज्यादातर टास्क को परफॉर्म कर सकती है। इस बार Motorola Reserve 50 में 3.62 इंच की अल्ट्रा लार्ज एक्सटर्नल स्क्रीन का यूज हुआ है और ये एमोलेड डिस्प्ले है। 90Hz की रिफ्रेश रेट मिलेगी, 1700 नीट्स की पीक ब्राइटनेस मिल जाएगी और इस स्क्रीन को गोरिल्ला ग्लास विक्टस का प्रोटेक्शन भी मिल जाता है। वैसे ये एलिफेंट ग्रे कलर है, इसके अलावा ऑरेंज एंड ब्लैक कलर ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। वैसे ग्रे कलर काफी लग्जरियस लगता है। फोन में प्लेन लेदर मटेरियल का यूज हुआ है और इस मटेरियल से फोन की फील क्लासी मिल जाती है। वैसे Reserve 50 की आउटर स्क्रीन इस सेगमेंट में सबसे लार्ज है। एक टाइम में आईफोन में 3.5 इंच की स्क्रीन मिल जाती थी और यहाँ पे इसे सेकेंडरी स्क्रीन इस स्क्रीन का यूज हुआ है। और ये आउटर स्क्रीन में मेन स्क्रीन जैसे ही स्पेक्स मिलते हैं, जैसे कि 100% DCI-P3 कलर गमुट मिलता है, SGSI प्रोटेक्शन सर्टिफिकेशंस भी मिलता है, HDR10+ का सपोर्ट और 10-bit कलर डेप्थ मिल जाती है और आखिरी में 413 PPI की पिक्सल डेंसिटी भी मिलेगी। और एक्सटर्नल स्क्रीन में डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट लॉक स्क्रीन एनिमेशन भी मिल जाते हैं और इसमें 21 डिफरेंट थीम्स भी मिल जाती है। बाकी फोन में पावर बटन में फिंगरप्रिंट सेंसर को इंटीग्रेट किया है और फोन को अनलॉक करने के बाद मेन स्क्रीन का वॉलपेपर आउटर स्क्रीन में देखने को मिल जाएगा। लेफ्ट टू राइट स्वाइप करने पे डिफरेंट कार्ड मेनू देखने को मिल जाएगा और इस मेनू को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। स्वाइप डाउन करने पे नोटिफिकेशन कंट्रोल सेंटर मिलेगा और स्वाइप अप करने पे एक्टिव एप्लीकेशंस देखने को मिल जाएगी। और एक्सटर्नल स्क्रीन में इस बार थर्ड पार्टी एप्स का यूज भी कर सकते हैं, यानी ये मेन स्क्रीन की तरह ही परफॉर्म करती है। तो आप इस फोन को स्मॉल फोन की तरह भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ से न्यूज रीड कर सकते हैं, मैसेज का रिप्लाई भी कर सकते हैं और सोशल मीडिया एप्स भी एक्सेस कर सकते हैं और आप इस एक्सटर्नल स्क्रीन को रोटेट भी कर सकते हैं। और एक इंटरेस्टिंग फीचर भी मिल जाता है, जैसे कि आपको लगता है कैमरा ने कंटेंट को हाइड करा है तो आप बॉटम में लॉन्ग प्रेस करेंगे तो कैमरा एरिया में स्मॉल बार मिल जाएगा। इसे आप डिस्प्ले एरिया को भी चेंज कर सकते हैं और इस हाई क्वालिटी आउटर स्क्रीन को आप मिरर की तरह भी यूज कर सकते हैं और यहाँ पे जूम का फीचर भी मिलेगा। तो अगर गर्ल इस फोन का यूज करती है तो मिरर साथ नहीं रखना पड़ेगा। और इस एक्सटर्नल स्क्रीन का सबसे बड़ा बेनिफिट सेल्फी कैप्चर करने में है और Motorola Reserve 50 में इस एक्सटर्नल स्क्रीन कैमरा के लिए कई सारे फीचर्स दिए गए हैं, जैसे कि फोन को सेक करने पे कैमरा ऐप ओपन हो जाती है, फोन को होवर करके भी कैमरा का यूज कर सकते हैं और पाम को स्ट्रेच करके सेल्फी भी कैप्चर कर पाएंगे और इस फोन को 90 डिग्री फोल्ड करके भी कैमकॉर्डर की फील ले सकते हैं। Motorola Reserve 50 में मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का मिल जाता है जो AI फीचर्स के साथ आता है। बाकी फोन में Moto AI के फीचर्स भी मिल जाते हैं, जैसे कि आप किसी इमेज और टेक्स्ट को स्कैन करके सर्च कर सकते हैं और आप AI चैटबॉट के साथ कन्वर्जेशन भी कर सकते हैं और इससे कॉल भी कर सकते हैं। बाकी AI ट्रैवल का फीचर भी मिल जाता है। बाकी Motorola Reserve 50 में परफॉर्मेंस की बात करें तो हाल ही में लॉन्च हुआ MediaTek Dimensity 7300X प्रोसेसर मिल जाता है जो 4nm प्लेटफॉर्म पे बना है। अप टू 12GB रैम मिल जाएगी और 512GB की स्टोरेज मिलेगी। बाकी फोन में बैटरी 4200mAh की मिलती है जो बहुत ही कम है और बैटरी को चार्ज करने के लिए 30 वोट्स का वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट मिलता है और 15 वोट्स का वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट मिल जाता है। बाकी फोन का डिटेल व्यू मैं जल्दी ही अपलोड करने वाला हूं, सो स्टे कनेक्टेड विद अवर चैनल। Motorola Reserve 50 की प्राइस की बात करें तो बेस वेरिएंट की प्राइस यानी 8GB रैम 256GB स्टोरेज की प्राइस चाइना में 3699 चीनी युआन से स्टार्ट होती है, जो इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो करीब 42,496 तक होती है। Motorola Reserve 50 का सबसे बेस्ट फीचर फोन की प्रोडक्टिव एक्सटर्नल स्क्रीन है। एक तो लार्ज साइज की मिलती है, ऊपर से ऑलमोस्ट सभी टास्क परफॉर्म कर सकती है। तो दोस्तों, आपको Motorola Reserve 50 की डिज़ाइन कैसी लगी, कौन सा फीचर अच्छा लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और दोस्तों, ऐसे ही लेटेस्ट फोन के लीक्स, लॉन्च डेट, टेक न्यूज़ और अगला की वो सबसे पहले देखने के लिए मेरे ट्विटर हैंडल को फॉलो करना ना भूलें। लेटेस्ट फोन और गैजेट्स के 1 मिनट में अनबॉक्सिंग देखने के लिए मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले लेटेस्ट टेक अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप स्माइलिंग। Focus on yourself first.